अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, आमीन। तो मैं प्रेप कर रही हूँ रेशमी चिकन बनाने की। एक दफ़ा मैं पहले भी बना चुकी हूँ, आप लोगों के साथ शेयर भी कर चुकी हूँ प्रेप बिफोर पाकिस्तान ट्रिप की वीडियो में। तो मैंने वो पहले फ़र्स्ट टाइम ट्राई की थी जो आप लोगों के साथ शेयर की थी, और मैं यहाँ पर सेकेंड टाइम बना रही थी। अपनी अम्मी के घर पर हूँ मैं, तो वहाँ मैं ये बनाकर खिलाऊँगी सबको। तो सिंपल, इसमें अनियन और टमाटर को मैंने रफ़ कट कर लिया है क्योंकि हमें बाद में इसका पेस्ट ही बनाना है। तो बहुत थोड़ा सा मैंने तेल लिया है, सिर्फ हमें टमाटर और प्याज को हल्का सा सौते करना है, भूनना है इसमें तेल में, ताकि ये इसमें अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। आप चाहें तो बग़ैर भूने भी इसको पेस्ट बना सकते हैं इसका। तो प्याज को मैंने सॉफ्ट कर लिया था, जब प्याज सॉफ्ट हो गई थी मैंने टमाटर भी डाल दिए थे, और टमाटर को भी मैंने अच्छा सा भून लिया है। बस 1-2 टेबलस्पून ऑयल में आपको इसको अच्छा सा इस तरह से सॉफ्ट कर लेना है, भून लेना है। तो देखिए टमाटर भी सॉफ्ट हो गए थे और अब हम इसे पीस लेंगे। तो मैंने इसको प्लेट में निकाल लिया क्योंकि ये हॉट है ऑब्वियसली। मेरे पास जो है वो ग्लास जो आ रहे हैं उसके अंदर मैं पेस्ट बनाती हूँ, तो मैं गरम गरम भी डाल लेती हूँ। तो मैंने इसको इसमें डाल के थोड़ा ठंडा कर लिया क्योंकि चॉपर प्लास्टिक का था, और ये चिकन भी वॉश हो गई थी। 1 kg चिकन का बना रही हूँ। यहाँ मैंने जो पहले शेयर किया था वो मैंने 1/2 kg का बनाया था, और वहाँ पाकिस्तान में बना रही हूँ तो मैंने ये ज़्यादा क्वांटिटी में बनाया था। 1 kg चिकन का बना रही हूँ। तो मैंने चिकन डाल दी थी अब उसी पॉट में, और जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर रही हूँ अब मैं। 1-1.5 टेबलस्पून मैंने भर के जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर दिया था। ऑयल भी मैं डाल चुकी हूँ, और मैं चिकन को अच्छा सा भून लूँगी अदरक लहसुन के पेस्ट में। पेस्ट मैंने अभी नहीं बनाया था, थोड़ा सा वेट किया था चिकन को भूनने के बाद, फिर मैंने अब ये चॉपर में डाला था, थोड़ा ही ठंडा हो गया था। और ये बंद ही नहीं हो रहा है क्योंकि मैं ऑब्वियसली ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ, तो वो फिक्स ही नहीं हो रहा था। तो खैर, मैंने बिल्कुल बग़ैर पानी डाले चॉपर में चॉप कर लिया था इसको। और अगर आप ब्लेंड करना चाहें तो थोड़ा सा पानी डाल दें, 1-2 टेबलस्पून के, बस ये ब्लेंड हो जाए, इतना पानी डाल दें अगर पानी की नीड हो तो। अदरवाइज़ इसको अच्छा सा ब्लेंड कर लें। ये ब्लेंड हो गया था, और बस अब मैं इसको ऐड कर दूंगी इस चिकन में। अच्छा सा चिकन को मैंने भून लिया था कलर चेंज होने तक, और ये पेस्ट भी ऐड कर दिया है, और ये चॉपर को क्लीन कर लिया था मैंने थोड़ा सा पानी ऐड करके, और अब मैं इसको अच्छा सा भून लूँगी इसमें। और अब मैं स्पाइसेस ऐड कर रही हूँ। तो ये मैंने रेड चिली पाउडर ऐड किया है, और इसके अलावा ये कश्मीरी लाल मिर्च है, कश्मीरी रेड चिली, ये धनिया डाला है मैंने, धनिया पाउडर, और इसके अलावा इसमें भुना हुआ पिसा हुआ ज़ीरा ऐड किया था मैंने, थोड़ा ये कम पिसा। मेरे पास जो होता है यहाँ पर बिल्कुल फुली पाउडर्ड फॉर्म में होता है, अम्मी थोड़ा सा इसको दरदरा सा पीस के रखती हैं। तो ये होममेड भुना हुआ पिसा हुआ ज़ीरा था इसमें, और थोड़ी सी ब्लैक पेपर ऐड की है मैंने, और ये नमक है। तो इसकी डिटेल्ड रेसिपी आप वहाँ देख सकते हैं मेरे चैनल में, मैंने पहले डाली हुई है। और यहाँ मैंने बहुत ही फाइन चिप्स कट किए थे कटर से, जो कि इवनिंग स्नैक्स में हम लोग कुछ बनाने वाले थे, और ये डिनर के लिए मैं रेडी कर रही थी, तो ये मैं फर्दर अभी बनाऊंगी। तो ये देखिए, अच्छी सी चिकन मैंने भून ली थी सारे मसाले डालने के बाद, चिकन को अच्छा सा भून लिया था तेल ऊपर आने तक, और ये बड़ा ब्यूटीफुल सा हो गया था। और अब मैंने इसमें दही ऐड कर दी है, दही क्योंकि अम्मी ने फ्रीज़ की हुई थी, तो इसलिए थोड़ी सी ये बहुत वाटरी हो रही है, थोड़ी सी नहीं बल्कि बहुत ही ये पतली हुई हुई थी। तो खैर, तो ये फ्रीज़ हुई हुई दही थी इसलिए ये इस तरह की है। तो मैंने दही ऐड कर दी, दही ऐड करके मैंने इसको मिक्स किया था, और मैंने इसको ढक के रख दिया था पकने के लिए अबाउट 1/2 आवर। और अब मैंने ये पोटैटो को मैंने पानी में डाल दिया था, इसको कट करके ना अब पानी में डिप कर दें थोड़ा, फिर अब मैंने पानी इसका सारा निकाल दिया था, और अब मैं इसको फ्राई कर रही हूँ। तो बिल्कुल एक जैसे अगर आप लोग कट करेंगे कटर से, कटर अगर आपके पास है, तो ये बिल्कुल बहुत ज़बरदस्त चिप्स बनते हैं, बिल्कुल लेस चिप्स की तरह बनते हैं। हमारे घर ये रमज़ान में बहुत बनते हैं, और वैसे भी आजकल आलू अच्छे आ रहे हैं सर्दियों में, तो बस ऐसे ही मेरा दिल चाह रहा था बनाने का शाम के टाइम इवनिंग स्नैक्स में, तो मैंने ये कट किए थे बहुत सारे, और फिर मैंने ये बनाए थे। तो इस तरह से इवन बिल्कुल आप टेम्परेचर रखें इसका, और तेज़ तेल में डालें, तेल जब गर्म हो तब डालें, और फिर थोड़ी देर के लिए छोड़ दें, चमचा ना चलाएं। फिर जब ये थोड़े से कुक होना शुरू हो जाए, देखिए अभी थोड़ा सा अपना शेप वो कर रहे हैं, थोड़े से क्रिस्पी होने की तरफ जा रहे हैं, तो फिर आप अच्छी तरह चमचा चलाते जाएं, और बस गोल्डन होने तक इनको फ्राई कर लें। देखिए इसका कलर थोड़ा सा चेंज होने लग गया था, तो बस अब हमें इसे निकाल लेना है, जलाना नहीं है। तो ये बहुत ज़बरदस्त से चिप्स बन जाते हैं घर में,
जब भी आपको क्रेविंग हो तो इस तरह से आप बिल्कुल क्रिस्पी चिप्स बना के खा सकते हैं। तो मैंने सोचा ये शेयर कर दूँ, ये हमारे घर अक्सर बनते रहते हैं, बहुत बनाते हैं, रमज़ान में बहुत बनते हैं स्पेशली। तो अब बस मैं इसमें सॉल्ट ऐड कर रही हूँ, इसको इस तरह से स्प्रेड कर दें ट्रे वगैरह में निकाल के, तो ये और क्रिस्पी हो जाते हैं। और बस अब मैंने इसमें नमक स्प्रिंकल कर दिया, और अगर आप मसाला वगैरह डालना चाहें चाट मसाला वगैरह वो भी डाल सकते हैं। और बस अब इसको अम्मी मिक्स कर रही हैं इस तरह से, बहुत ही क्रिस्पी हो गए थे, बहुत ज़बरदस्त बने थे। और अगर अच्छे वाले आलू हों, न्यू आलू जो जैसे कि आजकल आ रहे हैं सर्दियों में, तो उसके तो बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं। और अब मैंने उसी तेल में कचौरी ऐड कर दी थी, कचौरी फ्राई कर रही हूँ मैं, ये फ्रोज़न कचौरी है जो कि अम्मी लेकर आई थी, निमकोज वगैरह से आई थिंक मिलती है, तो ये बहुत ही ज़बरदस्त बनी थी, बहुत अच्छी बनी थी। तो ये ईज़िली मिल जाती है, जो लोग कराची में रहते हैं उनको पता होगा। तो ये निकाल के अम्मी ने डिफ्रोज कर दी थी, और अब मैं इसको फ्राई कर रही हूँ। और इसके साथ सालन भी आता है, मतलब ये रेडीमेड कचौरी है, बस आप लाएं फ्रोज़न और इसको फ्राई कर लें, और सालन को आप माइक्रोवेव कर लें, तो ये बड़ी मज़े की बन जाती हैं। तो हम लोगों ने उस दिन दोपहर का खाना नहीं खाया था, आई थिंक सैटरडे था उस दिन, तो सबको भूख लगी थी, तो हम लोगों ने बड़ा हैवी सा शाम में नाश्ता किया था, चाय के साथ ये सब चीज़ें खाई थी। तो ये हो गई ये ब्राउन अच्छी तरह, इसको इस तरह प्रेस कर करके फ्राई कर लें, तो ये फूल जाती हैं, बहुत अच्छी फूल जाती हैं। थोड़ा मीडियम हाई फ्लेम रखें, और इस तरह से इसको फिर कलर लेकर आ जाएं इस पर, और तेज़ तेल में डालें, बहुत ठंडा तेल बिल्कुल ना हो, तो ये बहुत अच्छी फूलती हैं। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त बन गई थी, बहुत ही टेम्पटिंग लग रही हैं। तो ये आप बना सकते हैं रेडीमेड लाकर आराम से, अगर आपको क्रेविंग हो रही है, और वैसे फ़्रेश तो बना ही सकती हैं, घर में भी बन जाती हैं फ्रेश, बहुत अच्छी बनती हैं। मैंने ट्राई की हैं एक दो दफ़ा, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कभी फ़्रेश बना के घर में, जो आटा गूंद के खुद से बनाते हैं। तो ये फ्राई हो गई थी, और अब मैं खाने के लिए बैठ गई थी। और ये सालन है, ये अम्मी ने फ्रेश सालन बनाया था, इसके साथ जो सालन आया था वो इतना अच्छा नहीं होता, वो भी आप खा सकते हैं, बट ये थोड़ा सा अम्मी ने घर में रेडी किया था, तो इसकी रेसिपी मैं बताऊंगी आपको, सालन भी बना के दिखाऊंगी, और ये कचौरियाँ भी फ्रेश बहुत अच्छी बनती हैं घर में भी। और ये तो थी ही खैर मज़े की, बहुत मज़े की थी। तो ये हम लोग इन्जॉय कर रहे हैं, और इस वक्त हम लोगों को बहुत ही भूख लगी हुई थी, हम लोग हंग्री पीपल्स की तरह ना सब टूटे हुए थे कचौरियों पर, और चिप्स तो सब ने पहले ही खड़े खड़े खाना शुरू कर दिए थे, ऑलरेडी वो स्टार्ट हो चुका था उसका। सो ये हम लोग अपनी इवनिंग स्नैक्स इंजॉय कर रहे थे, और बस अब मैं जाके चिकन को देखूंगी चाय पीकर, चूल्हा मैंने उसका बंद कर दिया था, तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें कितनी ज़बरदस्त लग रही है, ये अम्मी मज़ीद फ्राई कर रही थी, मैं फ्राई करके ले आई थी अपनी तीन चार, फिर अम्मी ने बहुत सारी ये फ्राई की थी मज़ीद। तो ये आप इस तरह से फ्रोज़न, जिनको पता है वो लोग लाते ही होंगे ऑब्वियसली, जिनको नहीं पता वो इस तरह से इसको ला के इंजॉय कर सकते हैं, बहुत ही शॉर्ट टाइम में ये फटाफट फ्राई हो जाती हैं। बस इसको डीफ्रोज कर दें आप, बाहर निकाल के रख दें या नीचे फ्रिज में रख दें, जब आपको बनानी हो फ्रीज़र से निकाल के नीचे फ्रिज में रख दें, तो ये फटाफट रेडी हो जाती हैं। नाउ बैक टू रेशमी चिकन, ये यहाँ पर ये भुन चुका था सालन बहुत अच्छा सा, और मैंने चूल्हा बंद कर दिया था, और अब ये मैं इसमें क्रीम ऐड कर रही हूँ। तो मैंने इस वक्त हाफ पैकेट ऑलमोस्ट ऐड कर दी थी क्रीम, हाफ पैकेट से थोड़ी ज़्यादा ही, तो ये बस डन है, इतनी जल्दी से ये रेडी हो जाता है, बहुत ही क्विक बनता है ये सालन। बस आप इसको पकने के लिए रख दें, और जितनी ग्रेवी आपको चाहिए इतना आप कुक कर लें, और तेल ऊपर आने तक बस इसको कुक करना होता है, और बस ये रेडी हो जाता है। बस इस पे धनिया और क्रीम मैंने ऐड कर दी थी, और बाकी जो है इसको फिर मैंने मिक्स कर दिया था, और फिर जब बोल में आप सर्विंग के लिए निकालें उस वक्त और क्रीम ऐड कर दें। तो ये बहुत ही मज़े की ज़बरदस्त वाली रेडी हो जाती है, बहुत ही सिंपल क्विक और टेस्टी रेसिपी है, सबको बहुत पसंद आई थी ये। तो बस अब मैं इसको डिश आउट करने जा रही थी, ये डिनर का टाइम था, तो मैंने इसको एंड में क्रीम और ये कोरिएंडर वगैरह डालकर इसको मिक्स कर लिया था, और अब हम डिश आउट करके फिर मज़ीद इस पर क्रीम ऐड कर देंगे। तो ये मैंने सर्विंग बोल में निकाल लिया था, मज़ीद इस पर क्रीम डाल दी थी और धनिया वगैरह डाल दिया था।
तो ये क्विक सा डिनर रेडी हो गया था एंड वी आर गोना ईट इट। और इसके अलावा अम्मी ने हलीम बनाया था, तो हलीम क्योंकि सब नहीं खाते तो इसलिए एक डिश और बनी थी, और ये ज़बरदस्त सा टेम्पटिंग सा हलीम था जो कि थोड़ी सी क्वांटिटी में अम्मी ने बनाया था क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा हलीम की क्रेविंग हो रही थी। मी एंड वन ऑफ माई ब्रदर इन्जॉय इट टू मच। तो ये अब अम्मी सर्व कर रही हैं, बहुत ही ये टैम्पटिंग लग रहा है इसकी, इसको मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकी क्योंकि ये अलग अलग स्टेप्स में बनके तैयार हो गया था और मैं बिल्कुल भी इसको रिकॉर्ड नहीं कर सकी। तो मैं इसकी रेसिपी फिर कभी शेयर करूँगी, अम्मी के हाथ के हलीम की रेसिपी, बहुत ही मज़ेदार होता है ये। और अब मैं खाने वाली हूँ, आई एम गोना ईट इट। सो व्यूवर्स, ये थी आज की वीडियो, इन अदर पार्क ट्रिप वीडियो। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी वीडियो, अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग ट्रैवलॉग के साथ, इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। सो स्टे ट्यून्ड, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, फी अमान अल्लाह।